जो भक्ति आज इस पंडाल में आपके हृदय में बैठी है, ये जीवन पर्यंत बैठी रहे और आप ऐसे ही ठाकुर को याद करते रहे, इसी प्रकार ठाकुर का भजन करते रहे। हाँ, इसलिए जीवन में सत्संग को मत छोड़िए, संतों को मत छोड़िए, कथा को मत छोड़िए। और जीवन में हर व्यक्ति को एक बार भागवत जरूर सुनना चाहिए महाराज। हाँ, प्रथम दिन की कथा में जितने भी भक्त आए रहे होंगे उन्होंने सुना होगा, प्रथम दिन की कथा में मैंने निवेदन किया था कि राम कथा हमें भक्ति देती है और भागवत कथा हमें मुक्ति देती है। हाँ, अगर भक्ति चाहिए तो राम कथा श्रवण करिए, क्योंकि भक्ति प्रधान ग्रंथ है। महादेव उसमें बार बार बर मांगूं हर सी देहूं श्री रंग पद सरोजयन पायनी भक्ति सदा सत्स। मानस भक्ति प्रधान है, अगर भक्ति चाहिए तो मानस की शरण में जाइए, और ठाकुर के चरणों में मुक्ति चाहिए तो श्रीमद् भागवत की शरण में आइए महाराज। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में एक बार भागवत अवश्य सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वो कथा है जो प्रेत को भी मुक्त कर देती है। हाँ, ये वो कथा है जो एक गड़िका को भी मुक्त कर देती है। तो महाराज, जब मरने के बाद भी ये कथा कल्याण करती है तो क्यों ना हम जीते जी इस कथा को सुन ले, हमारा भी कल्याण हो जाए। इसलिए जिनके घर में पितृ दोष हो, कई बार लोग कहते हैं महाराज पितृ दोष, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, धंधा नहीं चल रहा, घर में संतान नहीं हो रही बहू को, ये सब पितृ दोष के कारण होते हैं, इसमें भगवान का कुछ लेना देना नहीं। लोग कहते भगवान ने कृपा नहीं की महाराज, धंधा नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। धंधा नहीं चल रहा, यदि घर में पुत्र नहीं हो रहा, घर में क्लेश हो रहे, झगड़े हो रहे, समझ लीजिए पितृ दोष है। और अगर पितृ दोष है तो उसके लिए भागवत जरूर सुनना चाहिए, ये उससे मुक्त करती है। और भगवान की कृपा जब होती है तो जीवन में भक्ति आती है, और पितरों की कृपा जब होती है तो जीवन में समृद्धि आती है, सुख आते हैं, वृद्धि होती है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।